हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल वैश्वी की बारी थी, आज रीना की बारी है। वो भी टेबलेट्स निगल रही है पानी के साथ। हेलो 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 फ्रेंड्स, केम छू, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा मजे में होंगे। दोस्तों अभी है ना, मैं एक नेचुरल पैक बना रही हूँ, फेशियल के जैसा ही है, और इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने टमाटर और अदरक और एक पोटैटो उसे क्रश कर लिया, कद्दूकस कर लिया, और उसका जूस निकाल लिया है ये तीनों बाउल में। और फिर इन सभी के अंदर मैंने 2 चम्मच पोटैटो का जूस लिया, 2 चम्मच टमाटर का और 1 चम्मच अदरक का जूस, और उसके अंदर मैंने ये डाल दिया है बेसन, बेसन डाल दिया। और ये देखिए, इस तरीके का एक पेस्ट बना लिया है, और इसे अब मैं अपने स्किन पर, मतलब फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और हाँ, एक चुटकी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, क्योंकि हल्दी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती है। तो फेस पर कोई भी अगर कट है या छोटी मोटी चोट है, या आपको अगर फेस पर जो बॉयल्स होते हैं उसके बाद धब्बे रह जाते हैं, उन सबको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो ये पैक मेरा रेडी हो चुका है। अभी शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो कोई भी शादी में जाना है या फिर कोई भी फंक्शन में जाना है, तो उससे पहले भी हम इसे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये ग्लो देता है। सो, ये पैक मेरा हो चुका है रेडी। कैसे रेडी किया है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। सो गाइस, मैंने इसे अपने फेस पर पूरे में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और इसे हम गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहाने जाऊंगी तभी करूंगी अप्लाई। और अभी मैं मम्मी से पूछती हूँ, उन्हें अगर करना है तो अभी भी है मेरे पास, तो मम्मी को भी मैं कर देती हूँ। मम्मी लगाओ, लगा इधर है, चलो मम्मी को भी लगाना है तो मैं लगा कर देती हूँ। मम्मी शादी में जाने वाले हैं अभी, तो मेकअप कर देती हूँ थोड़ा, मतलब फेशियल फेशियल कर देती हूँ तो अच्छा लगता है। मुझे जाने का बहुत मन है, लेकिन अभी वैश्वी बहुत ज्यादा छोटी है तो मैं नहीं जा सकती। वैश्वी तो शायद रह भी जाएगी, लेकिन मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रह रही है अभी। मम्मी को अप्लाई कर दिया है, अब मेरा थोड़ा सूखने लगा है, तो एकदम खिंचाव हो रहा है, एकदम ड्राइनेस लग रही है। सो ये है ना, एकदम खींचता है ना, तो इससे एंटी एजिंग के लिए भी ये काम करता है, क्योंकि जो झुर्रियाँ होती है ना फेस पर, वो भी अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। तो अगर आप ओल्ड एज हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। और मैं ना ये नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो केमिकल्स वाली चीज़ें होती है ना, उससे मुझे रैसेस हो जाते हैं, या फिर फेस पर है ना पूरे बॉयल से हो जाते हैं, मतलब उसकी मुझे एलर्जी है, तो यही सब मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने फेस को वॉश करने। सोनू को देखो कितना मस्त से सो रहा है, सना एकदम नींद आ गई है उसे। अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है नहाने जाने से पहले, मुझे एकदम मस्त लग रहा है, क्योंकि आज रमीला मासी नहीं आने वाले हैं, और मैं अभी गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ आज, तो मम्मी को उसका आटा गूंथ कर दे देती हूँ, तो वो गोले बनाकर रखेंगे, बाद में मैं नहाने जाऊँगी। तो ये देखिए, ये है मेरा स्टोरेज, तो इसके अंदर मैंने पैकेट रखा हुआ है, देखिए इसमें ढूंढना पड़ेगा अब मुझे। सो गाइस, मैंने गुलाब जामुन का पैकेट ढूंढ लिया है, और इसका मैं आटा दूध की हेल्प से गूंथने वाली हूँ, क्योंकि अगर दूध से करेंगे ना तो ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब आटा गूंथने लगी तो मुझे लगा कि तब तक मैं पोटैटो भी रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। आज मैं मेथी के परोठे बनाने वाली थी, तो उसके साथ पोटैटो की सूखी सब्जी बनाती तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो पहले मैंने पोटैटो को भी बॉयल होने के लिए रख दिया, अब मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो ये है ना, थोड़ा लूज़ रखेंगे तो अच्छे से गोले बन पाएंगे, और बहुत ही मस्त सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेंगे। तो मैंने दूध डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाला था, बाकी मैंने दूध का ही इस्तेमाल किया है। तो आटा हो चुका है रेडी, अब मैं मम्मी को दे रही थी कि वो गोले बना कर दे दे, तो मम्मी के पास वैश्वी थी, तो फिर वैश्वी को दादा ने ले लिया, वैश्वी अब दादा के साथ खेलने लगी।
और देखिए इस सीज़न की ये पहली बार मेथी आ गई है। कल रात को ही चेतन लेकर आए थे तो ये मम्मी ने कट करके रेडी करके रखा था। अब मैं इसे पहले वॉश कर लूँगी क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत सारे मिट्टी होती है, तो अगर हम वॉश करके यूज़ करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो जो भी चीज़ बनाएंगे उसमें मज़ा नहीं आता है। तो ये इस तरीके से मैं वॉश करूँगी, इसमें पानी भर लूँगी तो सारी मिट्टी नीचे ही रह जाएगी, फिर ऊपर ऊपर से मैं पत्तों को निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे वॉश कर लिया है। स्पेशली चेतन अभी मेथी लेकर आए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमर दर्द की और पैर दर्द की कंप्लेंट होती है, तो बोल रहे हैं कि मेथी खाने से अच्छा रहेगा क्योंकि कितनी भी मेडिसिन ले रही हूँ सही नहीं हो रहा है। तो अब खाने में ही थोड़ा हम ध्यान रखेंगे ना तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। मेडिसिन का इफ़ेक्ट तो सिर्फ एक दो दिन ही होता है। तो ये मैंने आटा ले लिया है और इसके अंदर मैं बेसिक मसाले ही ऐड कर रही हूँ। वैसे तो पराठे में अपने आप को जो पसंद होता है वही हम सब ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आटा लिया, हल्दी डाली है और मैंने यहाँ पर आदू लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी है और मैंने मेथी डाल दी, ऑयल डाल दिया और अब इससे आटा मैं गूंथ लूँगी। तो अब है ना अभी विंटर स्टार्ट हुआ है तो मेथी ज़्यादा से ज़्यादा खाना क्योंकि मेथी टेस्टी भी लगती है, हम परोठे बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं और ये हेल्दी भी होती है। तो ये मेरा आटा हो चुका है रेडी, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी। और पहले है ना मैं जो गुलाब जामुन के गोले मम्मी ने बनाकर रेडी कर लिए हैं तो उसके लिए मैं चाशनी बना रही हूँ। सोचा था कि बस मैं थोड़ा सा रेडी करके जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन अभी तो सारा काम मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा ये कर लूँ कर करके एक एक करके लगभग आधा से ज़्यादा मैंने कर लिया है। तो ये चाशनी बनाने के लिए बहुत इजी होता है, वो जो पैकेट होता है उसके पीछे ही सब लिखा हुआ होता है। मैंने यहाँ पर 500 ml पानी लिया है और 500 ग्राम चीनी डाल दी है। बस इसे 5-6 मिनट उबाल लेना है और उसके बाद मैं इसमें इलायची डाल दूँगी तो चाशनी इजीली बन जाएगी। अब मैंने गोलों को तलने के लिए ऑयल भी रख दिया है, इसे आप घी में भी तल सकते हैं पर ऑलरेडी मेरे पास ऑयल कढ़ाई में निकाला हुआ था तो मैंने सोचा चलो ऑयल में ही इसे सेक लेती हूँ। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ जो भूज से नया खलबत्ता लेकर आई थी ना, वो आरस का। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यूज़ करे कि ना करे लेकिन अगर ये किचन में पड़ा भी है कोने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जैसे किचन की शान लगता है। तो आप इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसे डेकोरेशन के ये भी यूज़ कर सकते हैं तो किचन में ये बहुत अच्छा लगता है। इलायची के बीज को तो मैंने चाशनी में डाल दिया लेकिन इसके छिलके जो होते हैं उसे भी आप वेस्ट मत करें, उसे मैंने चाय पत्ती जो होती है ना उसके अंदर डाल दिए हैं तो ये भी अच्छी खुशबू देते ही हैं लेकिन हम चाशनी में उसे नहीं डाल सकते। अब ये देखिए गोले रेडी हो चुके हैं तो मैं पहले देख रही हूँ कि ऑयल कैसा गर्म हुआ है, तो ऑयल मेरा हो गया है अच्छे से गर्म, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने बंद कर दिया है, अभी गैस को ऑफ कर दिया है। और मैं ना इस तरीके से गोले को तलती हूँ क्योंकि मुझे है ना हाथ जलने का बहुत डर लगता है, तो पहले मैं जो जारा है ना उसी के अंदर गोलों को रख देती हूँ फिर उसको मैं ऑयल के अंदर ऐड करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ना हाथ नहीं जलता है, बहुत ही ईजिली हम ऐड कर सकते हैं ऑयल के अंदर। लेकिन हाँ पकौड़ी अगर बना रहे हैं तो उसमें हम इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक एक करके ऑयल के अंदर सीधा ही हमें ऐड करना होता है। तो ये देखिए गुलाब जामुन को मैंने एकदम डार्क डार्क करके पका लिया है क्योंकि थोड़े से भी अगर लाइट रखते हैं ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो बाद में तो ये एकदम मस्त थोड़े लाइट लगेंगे, अभी पर मैं इसे डार्क ही पका रही हूँ। तो देखिए सारे गोलों को इसी तरीके से मैंने सेक लिए हैं। तो ये देखिए सारे गुलाब जामुन को सेक कर मैंने गरम गरम चाशनी में ही ऐड कर लिया था, तो थोड़ा मैं इसे थोड़ी देर बाहर रख कर थोड़े ठंडे हो जाते तभी ऐड करती तो ज़्यादा अच्छा था। ये बहुत ही अच्छे से बन गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अच्छे नहीं लगते, थोड़ी ऊपर की जो इसकी परत होती है ना वो क्रंची हो ना तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जो पहले डाले थे वो देखिए एकदम मस्त फूल कर बड़े बड़े हो गए हैं, तो वैसे तो बहुत ही अच्छे से बन गए थे गुलाब जामुन और एकदम फटाफट हो जाता है जब से कि ये रेडीमेड हमें इंस्टेंट मिलता है। अब मैं बना रही हूँ सब्जी, तो उसके लिए जो बॉईल किए थे पोटैटो उसको मैंने छील लिया है और अब इसे मैं कट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर रही हूँ। और बर्तन ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने क्या किया, जिस कढ़ाई में गुलाब जामुन सेका था उस कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया, जो सिका हुआ मतलब कि जो बॉयल किया हुआ यूज़ किया हुआ ऑयल होता है ना उसे मैं मिक्स नहीं करती हूँ अच्छे ऑयल के साथ, अलग ही उसे रखती हूँ। तो ये मैंने एक छोटी सी लोटी में उसे निकाल लिया और फिर उसी के अंदर मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया, तो इससे है ना बर्तन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और गोले रखे थे उसी में मैंने सब्जी को कट किया था तो उस तरीके से सारे बर्तन को मैं रीयूज़ कर लेती हूँ तो बहुत ही कम बर्तन होते हैं।
सो गाइस, हमारा दोपहर का खाना हो चुका है रेडी। आज वैश्वी का तीसरा मंथ यानी कि 3 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, तो पार्टी हो रही है। आप भी आ जाइए फटाफट, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो मुंह में पानी आ रहा है। आज वैश्वी का फोटो शूट करना है, लेकिन वैश्वी का मुंह देखो, उसका मूड नहीं है। और इन दो थेपलों को देखो, मानवीर का बहुत ज्यादा मूड है। देखो आज 18 तारीख है और वैश्वी को 3 मंथ कंप्लीट हो गए और 4th स्टार्ट हो गया है। वैश्वी बड़ी हो रही है। आज इसी की पार्टी थी, गुलाब जामुन और परोठा, मेथी के परोठे। ए ए ए बबलू मालो, ए बबलू लाइन, ये देखिए वैश्वी का फोटो शूट हो रहा है, बीच में सोनू घूम रहा है। और ये देखिए, सारे धागे अपने आप में लपेट लिए वैश्वी ने, कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है। पहले मैंने वो पीछे पड़ा है वो दूसरा बिछाया था, लेकिन चेतन बोल रहे हैं वो वाला नहीं, ये वाला चाहिए। वैश्वी को देखो कैसे फोटो के पोज दे रही है। वैश्वी सोना, तू चिल्ला नहीं, ये ऊपर आ गए। वैश्वी का भी मस्त मूड आ गया। सुन को देखो, वो वहां पर जाकर बैठ गया है। सो गाइस, खाना पीना हो गया, किचन का काम कंप्लीट हो गया, और अभी वैश्वी को देखो। फोन कितना पसंद है, चिल्ला रही थी अभी। और इसका फेवरेट क्या है ये देख रही है वो अभी। वैश्वी सो जो रोमा दिख रो। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय भारत।